हेलो, इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब के सिंबल्स ग्रुप के बारे में जानेंगे। तो सिंबल्स ग्रुप में हमारे पास दो कमांड हैं। फर्स्ट कमांड है इक्वेशन कमांड, सेकंड है सिंबल कमांड। तो सबसे पहले हम इक्वेशन कमांड ये करेंगे। तो ये इक्वेशन कमांड का यूज़ कब होता है? जब हमें कोई मैथ में काम करना होता है तो हम इक्वेशन कमांड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन के मोर बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये बहुत से ऑप्शन हमारे पास आ जाएंगे। तो हम यहाँ पे सेकंड थ्योरम जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये क्लिक करने के बाद ये थ्योरम यहाँ पे आ जाएगी। थ्योरम आते ही हमारे पास ये टैब बन जाएगा थ्योरम का। ये देखो, डिज़ाइन टैब यहाँ पे बन जाएगा और ये इसकी इक्वेशन की रिबन यहाँ पे बन के आ जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहला जो है इक्वेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसमें भी वही ऑप्शन निकलेंगे जो हमने इक्वेशन में निकाले थे। तो इसके बाद है सेकंड है ये इंक इक्वेशन। तो इसको समझने से पहले हम इसका साइज़ बढ़ाएंगे। यहाँ पे इसको यहाँ तक लाएंगे और इसको पीछे ले आएंगे। ये कर दिया। और इसका जो साइज़ है, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम पे जाएंगे और इसका साइज़ हम यहाँ से बढ़ाएंगे। सपोज़ करो हमने 36 साइज़ किया और इसको बोल्ड में कर दिया, तो ये साइज़ इसका बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद डिज़ाइन, यहाँ पे इसकी जो डिज़ाइन है यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंक इक्वेशन। इंक इक्वेशन का मतलब होता है अगर कोई यहाँ पे हमें सिंबल चाहिए, जैसे स्क्वेयर रूट का सिंबल चाहिए या प्लस का सिंबल चाहिए या माइनस का सिंबल चाहिए, तो ये सिंबल हमने यहाँ पे कैसे इंसर्ट करना है, वो सिंबल हमने इंक इक्वेशन के जरिए बनाना है। तो सपोज़ करो हम यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे यहाँ पे हमें क्या चाहिए, स्क्वेयर रूट। तो स्क्वेयर रूट बनाने के लिए हम यहाँ पे इंक इक्वेशन पे क्लिक करेंगे। इंक इक्वेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे स्क्वेयर रूट बनाया, ये बनाने के बाद ये स्क्वेयर रूट यहाँ पे बन के आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करते ही ये स्क्वेयर रूट यहाँ पे बन के आ जाएगा। अब जो भी यहाँ पे हमने लिखना है वो इस बॉक्स में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ भी हम लिखेंगे, जैसे ये एक्स को यहाँ पे लिखना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और एक्स यहाँ पे लिख देंगे। ये देखो एक्स यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इस सिंबल को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम इसको अंडू करते हैं, ये अंडू किया। अंडू करने के बाद अगर हम यहाँ पे प्लस सिंबल यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर हम यहाँ पे इंक इक्वेशन पे क्लिक करेंगे। इंक इक्वेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम प्लस का सिंबल बनाएंगे। जैसे ये प्लस का सिंबल है, ये प्लस का सिंबल यहाँ पे बनाएंगे और ये प्लस का सिंबल यहाँ पे बन के आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। ये देखो प्लस का सिंबल यहाँ पे बन के आ जाएगा। इसके बाद फिर अगर हम यहाँ पे डिवीज़न का सिंबल बनाना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, यहाँ पे इंक इक्वेशन पे जाना है। इंक इक्वेशन पे जाने के बाद यहाँ पे डिवीज़न का सिंबल बनाएंगे। ये डिवीज़न का सिंबल यहाँ पे बन के आ जाएगा। इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखो यहाँ पे ये डिवीज़न का सिंबल यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे इंक इक्वेशन के जरिए सिंबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसको अंडू करेंगे। ये अंडू किया। इसके बाद हम इसे सेलेक्ट करेंगे। ये सारा सेलेक्ट करने के बाद अगली कमांड जो है प्रोफेशनल की है। तो ये जितना भी इस टाइम जो है ये प्रोफेशनल में है। अगर हम इसको लीनियर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम लीनियर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो है लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसको सभी को नॉर्मल टेक्स्ट में रखना चाहते हैं तो हम इस कमांड के ऊपर क्लिक करेंगे, नॉर्मल टेक्स्ट। ये देखो जितना भी है ये नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको थ्योरम को प्रोफेशनल, लीनियर और नॉर्मल टेक्स्ट में रख सकते हैं। इसके बाद
आ गया है डिज़ाइन का अगला यहाँ पे सिंबल ग्रुप है। तो इसमें जो है सभी सिंबल दिए गए हैं, तो जो भी सिंबल अगर हम अपने इसमें यूज़ करना चाहते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे आगे मैंने कर्सर रखा, तो कर्सर रखने के बाद यहाँ पे मुझे कोई सिंबल चाहिए, जैसे ये सिंबल चाहिए प्लस माइनस का, तो यहाँ पे ये देखो ये सिंबल इंसर्ट होके आ जाएगा। तो जो भी सिंबल अगर हमें चाहिए, ये सिंबल यहाँ पे आ गया, तो वही सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद ये अंडू किया, और सिंबल चाहिए तो ये सभी सिंबल यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बहुत से सिंबल यहाँ पे दिए गए हैं। जो भी सिंबल हमें लगता है कि ये सिंबल हमने यहाँ पे बनाना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सपोज करो हम यहाँ पे क्लिक किया, तो ये देखो ये सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद और सिंबल चाहिए तो और सिंबल भी हैं, जैसे मोर बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे बेसिक मैथ इसके यहाँ पे क्लिक किया, ग्रीक लेटर में चाहिए या ऑपरेटर में चाहिए, जैसे ऑपरेटर्स यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऑपरेटर्स के निकलेंगे। तो जो भी सिंबल यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जिस सिंबल के ऊपर, वो सिंबल हमारे जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे एरो का है, कोई एरो सिंबल चाहिए तो हम एरो पे क्लिक करेंगे, तो कौन सा एरो सिंबल चाहिए, अगर कोई भी एरो सिंबल, जैसे ये सिंबल चाहिए एरो का सिंबल, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये एरो का सिंबल यहाँ पे बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत से सिंबल दिए गए होते हैं जो कि हमारे कीबोर्ड में नहीं होते हैं, तो उन सिंबल को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इस एरो के सिंबल को हम डिलीट करेंगे, ये डिलीट किया। इसके बाद अगला ग्रुप हमारे पास स्ट्रक्चर्स ग्रुप है। तो स्ट्रक्चर्स ग्रुप में हमें जैसे ये फ्रैक्शन ये पहला यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम फ्रैक्शन, जैसे ये फ्रैक्शन में चाहिए तो हम ये कौन सा ऑप्शन लेना है, जैसे ये चाहिए या ये चाहिए, जो भी ऑप्शन यहाँ से लेना है। सपोज़ करो हमने यहाँ पे फर्स्ट ये चूज़ किया। चूज़ करने के बाद अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स और यहाँ पे लिखेंगे वाई, तो ये फ्रैक्शन में बन जाएगा। तो इस प्रकार हम ये फ्रैक्शन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसको अंडू किया, यहाँ पे इसके बाद करना है हमें स्क्रिप्ट। अगर हम यहाँ पे स्क्रिप्ट यूज़ करना चाहते हैं, जैसे ये एक्स यहाँ पे मिटाया, मिटाने के बाद अगर हम जैसे ए स्क्वेयर ये हमने यहाँ पे लगाना है, तो इसके लिए यहाँ पे ये भी ऑप्शन आ जाएंगे, कोई भी ऑप्शन यहाँ से हम लेंगे। जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने फर्स्ट पे क्लिक किया, फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे ये ए लिखा, इसके बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे टू लिखा, तो ये ए स्क्वेयर बन गया। तो इस प्रकार हम यहाँ पे स्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे और ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करने जाते हैं, जैसे यहाँ पे इसको डिलीट किया, डिलीट करने के बाद यहाँ से ये हमारा फ्रैक्शन का हो गया, स्क्रिप्ट का हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये सभी ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन चाहिए वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये मैट्रिक्स यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बहुत से ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कौन सा ऑप्शन लेना है। जैसे सपोज करो हम यहाँ पे इस ऑप्शन को लेंगे, ये ऑप्शन हमने लिया, और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा टू लिखा, अगले पे यहाँ पे क्लिक किया हमने फोर लिखा, फोर लिखने के बाद यहाँ पे हमने थ्री लिखा, यहाँ पे हमने थ्री लिखा। तो इस प्रकार ये मैट्रिक्स यहाँ पे हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे स्ट्रक्चर ग्रुप का हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद ये सिंबल्स, अगर हम यहाँ पे सिंबल कोई सिंबल यूज़ करना है, फर्स्ट में यहाँ पे कर्सर रखा, यहाँ पे कर्सर रखने के बाद अगर हम यहाँ पे कोई सिंबल बनाना चाहते हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंबल पे जाना है। सिंबल पे जाने के बाद ये बहुत से सिंबल यहाँ पे आ जाएंगे, जो भी सिंबल हमें चाहिए उस सिंबल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये देखो फॉन्ट दिया गया है नॉर्मल फॉन्ट, तो इसमें फॉन्ट बहुत से आएंगे, जो भी फॉन्ट यहाँ पे चाहिए उसके ऊपर क्लिक करेंगे, उस फॉन्ट में आ जाएगा। जैसे इसमें क्लिक किया, इस फॉन्ट में आ जाएगा। तो जो भी यहाँ से हमें फॉन्ट चाहिए, ये बहुत से फॉन्ट यहाँ पे दिए गए हैं,
जैसे इसमें चाहिए तो ये इसका फॉन्ट आ जाएगा। तो जिस भी फॉन्ट में हम यहाँ पे रखेंगे और जो भी सिंबल हमें चाहिए, सपोज करो हमें ये सिंबल चाहिए ये वाला, तो ये इसके बाद इंसर्ट पे क्लिक किया, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लोज करेंगे, ये देखो ये सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, ये सिंबल यहाँ पे बन के आ जाएगा। इसके अलावा और सिंबल चाहिए तो हम सिंबल पे क्लिक करेंगे। अब सबसेट यहाँ पे दिया गया है करेंसी सिंबल, और चाहिए तो जो भी यहाँ पे चाहिए, सुपर स्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट वाला चाहिए तो ये सुपर स्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट वाला आ जाएगा। तो इसमें भी कोई भी सिंबल चाहिए, सपोज करो हमें ये आर एस ये सिंबल चाहिए, इंसर्ट किया, इसके बाद यहाँ से क्लोज किया, ये देखो यहाँ पे ये सिंबल आ जाएगा। तो इस प्रकार ये भी सिंबल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा और सिंबल चाहिए तो और भी सिंबल यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे ग्रीक ये ले लिया, इसमें कोई सिंबल चाहिए तो इसमें सिंबल, जैसे सपोज करो हम ये सिंबल लेंगे, इसको इंसर्ट करेंगे और यहाँ से इसको क्लोज किया तो ये सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पे हम इक्वेशन कमांड और सिंबल कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।